नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कोरोना वायरस का आप इंश्योरेंस प्लान फ़ोन पे से कैसे खरीद सकते हैं, आप कैसे इंश्योरेंस कर सकते हैं, खुद के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप कर सकते हैं। फ़ोन पे एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे कि ये अपडेट आया है COVID-19 इंश्योरेंस, तो इसे आप कैसे मात्र 156 रुपये में आप ले सकते हैं, वो भी 50,000 तक का ये इंश्योरेंस इसमें रहता है, जिसे आप फैमिली मेम्बर्स या खुद के लिए भी आप ले सकते हैं। कोरोना वायरस को आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में भी फैल रहा है, बहुत लोगों की मौत भी हो चुका है, और ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गरीब अमीर जाति धर्म बीमारी को कुछ भी मतलब नहीं रहता, आप खुद से समझ रहे होंगे। तो आप चाहें तो आप इसका आप इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं, COVID-19 इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं फ़ोन पे के द्वारा। फ़ोन पे में ये फैसिलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा, अगर आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा हो तो आप इसे अपडेट कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्या कुछ है, आप ऐसे मात्र 156 रुपये में आप 50,000 तक का इंश्योरेंस आप COVID-19 का आप कैसे ले सकते हैं, ताकि आप कोरोना वायरस में आपका, अगर आपको कोरोना वायरस हो तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर जान समझ रहे हैं आपकी काफ़ी पैसा जो है खर्च होता है बीमारी में, तो आपको 50,000 रुपये तक का आपको इसमें इंश्योरेंस मात्र 156 रुपये में आपको मिलेगा। तो सारा कुछ कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा COVID-19 इंश्योरेंस को लेकर के, मात्र 156 रुपये में 50,000 तक का इंश्योरेंस जो है इसमें मिल रहा है 50,000 का। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी को निशान को भी दबा देंगे, ताकि इस तरह के जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको उससे कुछ फ़ायदा मिले। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन को जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन को, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस COVID-19 इंश्योरेंस, आपको इस पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखे होंगे पॉइंट नोट्स, यहाँ पे लिख रहा है कि एलिजिबल फॉर क्लेम ओनली इफ, यहाँ पे काफ़ी कुछ इंग्लिश में लिख रहा था, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि अगर आप इसका पॉलिसी अगर आप खरीद रहे हैं अभी 156 रुपये में अपना इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो आपको ये आज मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ तो 15 दिन के बाद ये काम करेगा। अगर जब 15 आज मैं किया इंश्योरेंस और कल मुझे कोरोना वायरस हो जाता है, फॉर एग्जांपल परसों हो जाता है, 10 दिन बाद हो जाता है, तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि 15 दिन के बाद ही ये काम करेगा। और यहाँ पे पॉलिसी वैलिड ऑफ ओनली इंडिया, यानी कि ये इंडिया में ही सिर्फ पॉलिसी काम करेगा, इस इंडिया से बाहर में काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पॉलिसी बाई पॉलिसी @₹156, इस पर आपको क्लिक करना होगा बाई पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका वैलिडिटी जो है 1 साल तक के वैलिडिटी है, और यहाँ पे इंश्योरेंस में जो है 50,000 रुपये का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और इसका 1 साल तक इंश्योरेंस का वैलिडिटी आपको रहेगा। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे 18 से 55 साल तक के लोग इंश्योरेंस का कर सकते हैं, और आपको इसका इंश्योरेंस का कॉपी जो होता है सॉफ्ट कॉपी, वो आपको मोबाइल के ईमेल एड्रेस पे आपको भेज दिया जाता है, जो आप यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आदमी इसमें करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी जो अभी ख़रीदेंगे, तो आपको क्वारंटाइन में आप ना रहें, आपको नहीं होना चाहिए। और प्लस आपको दूसरा पॉइंट है कि आपको कोरोना वायरस का लक्षण आप में नहीं हो प्रजेंट में, और भी है कि आप कहीं 30 दिन के अंदर आप कहीं कोई ट्रेवल हिस्ट्री आपका ना हो, यानी कि कहीं आप यात्रा ना किए हों 30 दिन के अंदर में, ऐसा नहीं कि विदेश से आप आए हों और कहीं इंडिया से इधर उधर आप घूम रहे हैं, 30 दिन के अंदर आप कहीं भी ट्रेवल हिस्ट्री आपका नहीं होना चाहिए, सब टर्म एंड कंडीशन है। वैलिडिटी 1 साल तक रहेगा 50,000 रुपये तक का। तो चलिए सब आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको कैसे कुछ भरना है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइंग पॉलिसी फॉर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, एक रसा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्फ आपको लिख रहा है, तो आपको सेल्फ पे क्लिक करना है, आप खुद से कर रहे होंगे तो। और यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, तो चलिए मैं अपना नाम डाल दिया। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया 96, और यहाँ पर कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, नाम डाल दिया। और यहाँ पे खुद से आप कर रहे हैं तो सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, ताकि ईमेल एड्रेस आपको अच्छा सा डालना है, ताकि आपको उस पर आपको जो इसका रिसीविंग हो स्लिप है या इंश्योरेंस का,
वो आपको डिटेल आपको ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा पीडीएफ फाइल के रूप में। चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आपको अच्छे से डालना है, और यहाँ पे अगर गलत भी डाल देंगे ईमेल एड्रेस तो कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा आपका स्लिपिंग, वहाँ पर भी आपको स्लिप जो रहेगा पीडीएफ फाइल में वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और आपको पे पे क्लिक करना है। 156 रुपये टोटल प्रीमियम आपका हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे होंगे कि 156 रुपये मुझे बैंक अकाउंट से कटेगा, और यहाँ पे पे मैं क्लिक करूँगा और 6 अंकों का अपना पासवर्ड डालूँगा और मेरा बैंक अकाउंट से 156 रुपये कटेगा, और ये मुझे मैं इसका प्लस इसका इंश्योरेंस जो है उसका बेनिफिट मैं ले सकता हूँ पैसा पेमेंट करने के बाद। ये फ़ोनपे में आपको बजाज एलिमेंट्स जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये चल रहा है। और चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अगर जो आपको ईमेल एड्रेस गलत डाल दिए हों या ईमेल पर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और आपको कहाँ पर भी दिखेगा आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। और ईमेल एड्रेस मान लीजिए गलत भी हो गया, चाहे ईमेल पर कभी बाई मिस्टेक से नहीं भी मिला है या डिलीट हो गया, तो आप यहाँ से भी आप हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे। नीचे में देख रहे होंगे हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको किस तरह से देखने को मिल जाएगा। मैं एक इंश्योरेंस पेमेंट किया हूँ उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे इंश्योरेंस यहाँ पर लिख रहा है इंश्योरेंस जैसा, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप व्यू रिसीव पे आप क्लिक करेंगे, व्यू रिसीव का ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखेंगे कि मैं LIC का पेमेंट किया था, सेम आपको इस तरह से भी आपको इसका भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो LIC का यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्लिप जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से COVID-19 का भी आपको स्लिप यहाँ अगर डिलीट हो गया तो आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है PDF में, ये मेरा ओपन PDF रीडर में ये हो रहा है। इस तरह से आप शेयर भी कहीं भी कर सकते हैं। अगर डिलीट हो गया, ईमेल गलत हो गया, तब आपको यहाँ पर आपको कभी भी देखने को यहाँ से आप हिस्ट्री से आप कभी भी अपना निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी सवाल चाहे हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें, आपको जवाब दे सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब